Hello dear students, welcome back. In this video lecture, we will talk about nucleic acids. And this lecture is from chapter number 1, Biological Molecules Synth Text Board. So dear students, आज के video lecture में start करते हैं nucleic acids. सबसे पहले nucleic acid की discovery को discuss किया गया है. Friedrich Miescher, एक Swiss physician, जिसने एक कंपाउंड आइसोलेट किया पसेल से, उसको उसने नाम दिया न्यूक्लिन का और आगे चल के उसकी एसिडिक नेचर की वजह से उसको रीनेम कर दिया गया एज न्यूक्लिक एसिड. सो डियर स्टूडेंट्स, फ्रेडरिच मीशर वाज अ स्विस फिजिशियन एंड बायोलॉजिस्ट. ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू आइसोलेट न्यूक्लिक एसिड इन द ईयर 1869. ही डिस्कवर्ड an unknown phosphorus rich chemical in nuclei of pus cells and he named the substance nuclein. Pus cell, a white blood cell, a neutrophil found in pus. So dear students, Friedrich Miescher एक स्विस फिजिशियन था. इसने 1869 में एक डिस्कवरी की. इसको एक अननोन सब्सटेंस मिला पस सेल से जो कि फास्फोरस रिच केमिकल था. जैसा कि इसने ये सबस्टेंस पस सेल्स के न्यूक्लियस से ऑप्टेन किया तो इसने उसको नाम दे दिया लोकेलिटी की बुनियाद पे न्यूक्लिन. और पस सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं जो कि पस में फाउंड किए जाते हैं. मगर आगे चल के ये पता चला कि जिसको फ्रेडरिच मीशर ने न्यूक्लिन का नाम दिया था उसकी नेचर एसिडिक है क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, तो उसको रीनेम कर दिया गया न्यूक्लिक एसिड से. और डियर स्टूडेंट्स, उसको रीनेम किया था 1889 में रिचर्ड एल्टमैन ने. ही रीनेम्स न्यूक्लिन टू न्यूक्लिक एसिड क्योंकि उसका नेचर एसिडिक था, उसके अंदर फास्फोरिक एसिड था. तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए, इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. दोनों का बेसिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड. सो डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड बोथ आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. दोनों का बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड है. सो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स के दो टाइप्स होते हैं जो कि मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं. न्यूक्लिक एसिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स, पॉलीमर्स मेड अप ऑफ सिमिलर यूनिट्स और मोनोमर्स नोन एज न्यूक्लियोटाइड्स. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड. तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो डीएनए है, दिस इज स्ट्रैंड 1 एंड दिस इज स्ट्रैंड 2, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएस डबल स्ट्रैंडेड. अगर आरएनए को देखें तो उसमें एक ही स्ट्रैंड है, सो दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड. डीएनए डबल स्टैंडर्ड पॉलीमर है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का. सो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स एंड देयर बेसिक यूनिट इज न्यूक्लियोटाइड. डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड को हम डिफाइन करते हैं एन प्लस एस प्लस पी. एन मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, एस मीन्स शुगर अ पेंटोज शुगर, एंड पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप. तो जब हम तीन पार्ट्स को जोड़ेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस को शुगर के साथ और शुगर को फॉस्फेट के साथ, तो हमें न्यूक्लिक एसिड का बेसिक यूनिट मिलेगा न्यूक्लियोटाइड. सो डियर स्टूडेंट्स, मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड्स. ऑल न्यूक्लिक एसिड मे बी डीएनए मे बी आरएनए आर मेड अप ऑफ सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स. केमिस्ट कॉल दीज मोनोमर्स एज न्यूक्लियोटाइड्स, इनको न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं केमिस्ट. दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट अ बेस दैट कंटेन नाइट्रोजन एटम्स, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजीनियस बेस. सेकेंड पार्ट अ फाइव कार्बन शुगर कॉल्ड पेंटोज. एंड थर्ड पार्ट इन आयन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड नोन एज फॉस्फेट. तो तीन पार्ट्स हो गए, नाइट्रोजीनियस बेस, फाइव कार्बन शुगर, पेंटोज शुगर और एक फास्फोरिक एसिड. सो पार्ट वन डियर स्टूडेंट्स, अ बेस दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, पार्ट
पार्ट नंबर टू अ फाइव कार्बन शुगर नोन एज पेंटोज शुगर एंड डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर थ्री फॉस्फेट ग्रुप डिराइव फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। तो जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। सो डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, अब हम उनकी कंपोजिशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड में जो फाइव कार्बन शुगर होता है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है और उसके फिफ्थ कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। देखिए किस तरह, डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये पेंटोज शुगर है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होता है और आरएनए में राइबोज होता है। अब ये है उसका कार्बन नंबर वन, तो कार्बन नंबर वन पे अटैच होता है नाइट्रोजीनियस बेस, और ये है उसका कार्बन नंबर फाइव, कार्बन नंबर फाइव पे अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड के तीन पार्ट हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, फाइव कार्बन शुगर, फॉस्फेट। तो जो बीच वाला पार्ट है फाइव कार्बन शुगर, उसके पहले कार्बन पे नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होता है और उसके कार्बन नंबर फाइव पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। अगर हम इस फास्फेट को निकाल दें तो दो पार्ट्स बचेंगे, नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर। इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फास्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। देखें डियर स्टूडेंट्स ये है नाइट्रोजीनियस बेस और ये है शुगर, हमने फास्फेट निकाल दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है, नाइट्रोजीनियस बेस शुगर के कार्बन नंबर वन पे जुड़ जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब हम कार्बन नंबर फाइव पे फास्फेट को ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोसाइड तब्दील हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब डियर स्टूडेंट्स दो न्यूक्लिक एसिड हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, तो इनमें शुगर का डिफरेंस होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस और आरएनए में राइबोस, तो ये जो पेंटोज शुगर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में इसके दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें जो पेंटोज शुगर होगा वो डीऑक्सी राइबोस, और अगर हम आरएनए की बात करें तो इसमें होगा डियर स्टूडेंट्स राइबोस। अब देखें कार्बन नंबर दो पे डिफरेंस होता है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, अगर हम राइबोस की बात करें तो इस कार्बन नंबर दो के ऊपर टू के ऊपर हाइड्रोजन होगा और नीचे OH हाइड्रोऑक्साइल होगा, और अगर हम डीऑक्सीराइबोस की बात करें तो ऊपर भी हाइड्रोजन होगा या नीचे भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग होता है डीऑक्सीराइबोस में। तो राइबोस का फार्मूला होता है C5H10O5 और डीऑक्सीराइबोस का फार्मूला होता है C5H10O4। वन ऑक्सीजन इज लेस एट कार्बन नंबर टू, यहां पे एक ऑक्सीजन कम होता है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने कहा कि दो अल्टरनेटिव्स हैं, तो याद रखिएगा यहां पे आपको आरएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है और यहां पे आपको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है। तो अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर वन पे हमने जोड़ दिया नाइट्रोजीनियस बेस, और डियर स्टूडेंट्स ये जो पेंटोज शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। देखें यहाँ पे कार्बन नंबर दो के डाउनवर्ड सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है और कार्बन नंबर फाइव पे हम जोड़ देंगे फॉस्फेट। तो इस डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोस होता है। अब हम आते हैं आरएनए के न्यूक्लियोटाइड पे, हमने नाइट्रोजीनियस बेस ऐड कर दिया फाइव कार्बन शुगर के कार्बन नंबर वन पे, और यहाँ पे ये जो पेंटोज शुगर हमें नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ये राइबोज है। देखें कार्बन नंबर टू के नीचे OH है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज्यादा है और हमने कार्बन नंबर फाइव पे जोड़ दिया फॉस्फेट। तो हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को कहते हैं राइबो न्यूक्लियो
टाइट, क्योंकि इसमें जो 5 कार्बन शुगर होता है वो डियर स्टूडेंट्स राइबोज होता है। तो देखें, एक हो गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा हो गया राइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है। सो डियर स्टूडेंट्स, अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज। यहां पे आपको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और यहां पे ये जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज है। एंड दे आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर हम आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की बात करें, सो डियर स्टूडेंट्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोटाइड दैट कंटेन राइबोज। अब यहां पे देखें, 5 कार्बन शुगर राइबोज है, और कार्बन नंबर 2 के डाउनवर्ड आपको OH नजर आएगा। सो दे आर द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। तो शुगर के डिफरेंस की बुनियाद पे हम न्यूक्लियोटाइड्स को नेम देते हैं, ईदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद ये स्टूडेंट्स कहा गया है कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं उनके दो फैमिलीज हैं, एक प्यूरीन फैमिली और दूसरी पायरिमिडीन फैमिली। प्यूरीन बेसिस भी होते हैं और पायरिमिडीन बेसिस भी होते हैं। तो डीएसओ में लिखा गया है कि प्यूरीन्स के दो टाइप्स होते हैं, एडीनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन के 3 टाइप्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इसको हम डिस्कस करते हैं। डीएसओ में नाइट्रोजीनियस बेसिस, देर आर टू टाइप्स और टू काइंड्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस, प्यूरीन बेसिस एंड पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरीन्स आर डबल रिंग्स एंड पायरिमिडीन्स आर सिंगल रिंग। डीएसओ में प्यूरीन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और अगर हमने ये कहा कि ये डबल रिंग्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनमें एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और दूसरा 5 मेंबर्ड रिंग होता है जो कि आपस में फ्यूज हुए होते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है एक प्यूरिन। अब जो पहला है इसका रिंग प्यूरिन का, वो 6 मेंबर्ड है, और जो दूसरा है वो डियर स्टूडेंट्स 5 मेंबर्ड है। तो याद रखिएगा, प्यूरिन्स ऐसे नाइट्रोजीनियस बेसिस को कहा जाता है जो डबल रिंग होते हैं, उनका एक मेंबर 6 रिंग्ड होता है और दूसरा मेंबर 5 रिंग्ड होता है। एंड द प्यूरीन्स आर एडिनिन एंड गुआनिन। तो डियर स्टूडेंट्स, एडिनिन और गुआनिन किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं प्यूरीन्स में। और अब हम आते हैं पायरिमिडीन्स की तरफ। पायरिमिडीन्स हैव ओनली 1 रिंग एंड दैट इज 6 मेंबर्ड। तो पायरिमिडीन के पास सिर्फ एक ही रिंग होता है जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होता है। और अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इनके 3 एग्जाम्पल्स हैं, साइटोसाइन, थायामाइन और डियर स्टूडेंट्स यूरेसिल। तो देखें, देयर आर 5 कैटेगरीज, 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस। ये हो गए गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर हम गुआनिन की बात करें तो ये एक प्यूरीन बेस है, आपको किसमें मिलेगा? डीएनए, आरएनए बोथ। अगर हम एडिनिन की बात करें तो ये भी एक प्यूरीन बेस है, एंड इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अगर हम साइटोसिन की बात करें तो ये एक पायरिमिडीन बेस है, एंड इट इज फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक डिफरेंस आ जाएगा डीएनए और आरएनए में। डीएनए में थायमिन तो होता है, यूरेसिल नहीं होता, और आरएनए में यूरेसिल तो होता है मगर थायमिन नहीं होता। तो थायमिन एक पायरिमिडीन है, इट इज ओनली फाउंड इन डीएनए, और यूरेसिल भी एक पायरिमिडीन है बट इट इज ओनली फाउंड इन आरएनए। तो अब बिल्कुल लास्ट में हम एक बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं डीएनए और आरएनए का। तो डियर स्टूडेंट, शुगर का डिफरेंस है, डीएनए का डी शुगर है, आरएनए का आर शुगर है। डीएनए का डी शुगर है कौन सा शुगर? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए का आर शुगर है कौन सा शुगर? राइबोज। और जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन कम होता है डीऑक्सीराइबोज में, और एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है राइबोज में। द फार्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज इज C5H10O4 एंड दैट वन ऑफ द राइबोज C5H10O5। अगर डीएसओ हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें, तो डीएनए में जो प्यूरिन्स होते हैं वो एडिनिन और गुआनिन, और यही सेम प्यूरिन्स आरएनए में भी होते हैं एडिनिन और गुआनिन, मगर पायरिमिडीन्स में डिफरेंस आ जाता है। सो व्हाट आर द पायरिमिडीन्स ऑफ डीएनए? साइटोसिन एंड थायमिन। एंड व्हाट आर द पायरिमिडीन्स ऑफ आरएनए? साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था न्यूक्लिक एसिड्स पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।